आशियाना फेस टू स्थित विश्व जागृति मिशन मुरादाबाद में गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के शिष्य ने महालक्ष्मी पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। महालक्ष्मी पर्व के अवसर पर गुरु के समस्त शिष्य ने आचार्य द्वारा उच्चारित वैदिक मंत्रों के साथ स्थापित हवन कुंड में संयुक्त रूप से आहुतियां प्रदान करते हुए विश्व में अमन शांति कायम रहने के साथ साथ सुखमय जीवन के लिए श्री चरणों में प्रार्थना की। इस अवसर पर विद्वान आचार्य द्वारा महालक्ष्मी यज्ञ पूर्ण रूप से आहुति देने से जीवन में होने वाले बदलाव के बारे में बताते हुए कहा कि महालक्ष्मी धन धान्य देने वाली देवी है। जो लोग आग में पूर्ण आहुतियां प्रदान करते हैं वे प्राणी हमेशा सुख में जीवन व्यतीत करते हैं। इस अवसर पर आयोजक मंडल द्वारा उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद का भी वितरण किया गया। इस अवसर पर जागृति मिशन मुरादाबाद की अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि महानगर के आशियाना फेस टू में स्थापित महाराज जी के आश्रम पर प्रतिवर्ष अनेक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते आ रहे हैं। बताया गया कि आगामी गोपाष्टमी के पर्व के अवसर पर गौ माता की एक प्रभात फेरी निकाली जाएगी, जो कि आशियाने के साथ साथ रामगंगा विहार के मुख्य मार्गों में विचरण करते हुए सभी को गौ माता के प्रति सेवा करने के लिए जागरूक करेंगे। साथ ही गौ माता की पूजा अर्चना करने के महत्व के बारे में भी बताया जाएगा। इस अवसर पर विद्वान आचार्य द्वारा वैदिक मंत्रों से पूरा वातावरण गूंज रहा था। कर लो बहुत बढ़िया इधर ही। पूज्य गुरुवार जो है प्रत्येक वर्ष आनंदम आश्रम दिल्ली में ये माँ लक्ष्मी गणेश का आयोजन करते हैं, जिससे कि जो हम गुरु दीक्षित हैं और जो भी परिवार महाराज जी से जुड़ा हुआ है उसके परिवार में पूरे साल जो है समृद्धि रहे, खुशहाली रहे, इसके रूप में महाराज जी ये माँ लक्ष्मी गणेश यज्ञ करते हैं। और उसी की रूपरेखा के रूप में हम ये यज्ञ दिल्लोक आश्रम पर करते आए हैं। और इस कार्यक्रम को करते हुए हमें करीब करीब जो है 10-11 साल यहाँ पर आश्रम पर हो चुके हैं। इस बार भी 28 तारीख को ये जो है महालक्ष्मी यज्ञ का कार्यक्रम रखा जा रहा है। इसमें विशेष रूप से यज्ञ में आहुति जो है कनकधारा यज्ञ की और भी जो है इस तरीके की जितनी है कि परिवार में समृद्धि आवे, सुख संपदा रहे, हर परिवार की कामनाएं पूर्ण हुए, उस रूप में यज्ञ करते हैं। और इसी रूप में महाराज जी द्वारा पूजित लक्ष्मी यंत्र भी जो है हम श्रद्धालुओं को वितरित करते हैं, जिससे कि उनको जो है एक परिवार के अंदर पूजा के अंदर ये लक्ष्मी यंत्र हर रूप में जो है समृद्धि लाभे और वो बार बार खुशहाली रहे,
यही एक कामना लेकर सारी कामना होती है। और इसी रूप में ये आज 24 तारीख को लक्ष्मी अभिमान है। और मेरा सब लोगों से है कि प्रत्येक वर्ष जो दिव्यलोक आश्रम पर ये लक्ष्मी दिवाली के आसपास होता है, आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं कि इस यज्ञ में बैठें और महाराज जी द्वारा पूजित यंत्र को जो है अपने लिए आकर रखें, जिससे कि धर्म खुशहाली रहे।